वासा की जानिब से करोड़ों रुपए के मंसूबे मुकम्मल करने के बावजूद शहर से गुजरने वाली नहर सेवरेज से पाक नहीं हो सकती। हाउसिंग स्कीम और सनती इदारों की जानिब से नहर में किए गए कनेक्शन ताहाल फाल होने के बावजूद मुतलका इदारे खामोश हैं। अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं वासा की जानिब से करोड़ों रुपए के मंसूबे मुकम्मल करने के बावजूद शहर से गुजरने वाली नहर सेवरेज से पाक नहीं हो सकती। इसके साथ ही लाहौर रंग के नुमाइंदे अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। जी अहमद कुरैशी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल वासा की जानिब से शहर से गुजरने वाली नहर को सीवरेज और केमिकल से पाक रखने के लिए गुजश्ता साल के दौरान 33 करोड़ 29 लाख और 52 हज़ार रुपये की लागत से मंसूबा मुकम्मल किया गया था। इस क्लीन कैनाल मंसूबे के तहत ग्यारह से हरमनपुरा तक नहर के साथ मुतबादल सीवरेज लाइन्स डाली गई थी ताकि मुख्तलिफ सोसाइटी सनती इदारों का पानी जो है इसमें ना आ सके। इससे कबल भी करोड़ों रुपए की लागत से माल रोड से हरबंसपुरा तक नहर के अतराफ में सीवरेज लाइनें डाली गई थी, मगर प्राइवेट स्कीम सनती इदारों समेत नहर से मुतसर अफसरों की जानब से नहर में डाले गए गंदे पानी के कनेक्शन का हाल फाल हैं, जबकि वासा और माहौलियात में जिले इंतजामिया के मुतल इदारे जो मुजुर्माना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। नहर में सीवरेज के पानी शामिल होने से जहाँ फसलें आलूदा होने के का खर्चा होता है, इसके साथ साथ मौसम गर्मा चुके अभी मौसम गर्मा की आमद हाउसिंग स्कीम और सनती इदारों की जानिब से नहर में किए गए कनेक्शन ताहाल फाल होने के बावजूद मुतल्लिका इदारे खामोश हैं। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी तफसीलात से आगाह करने के लिए।